स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गोर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे आप सभी को पता है कि 10 जून 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारम्भ हो चुका था, जिसमें सभी के आवेदन प्राप्त किए गए और सभी के 10 तारीख को ही 1,000 रुपये यहाँ पर सभी के बैंक अकाउंट में डाल दिए गए हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में अभी तक 1,000 रुपये की पहली किस्त नहीं आई है। किसी कारणवश उनके खाते में 1,000 की पहली किस्त नहीं आई, परंतु जल्द उनके खाते में 1,000 की पहली किस्त डल जाएगी। वो जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं कर पाई है, जिनकी उम्र 23 से कम है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए सुनते हैं वो खुशखबरी क्या है। उससे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और वीडियो के लिंक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सशक्त नारी सशक्त मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। योजना की पात्रता के लिए 23 वर्ष आयु के स्थान पर कर दी गई है आयु 21 वर्ष। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। अभी तक जो नियम में था मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कि 23 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर सकती है, परंतु अब 21 वर्ष की आयु की महिलाएं भी लाडली बहना योजना के लिए पात्र हैं। उन्हें भी पैसा मिलेगा हर महीने की 10 तारीख को 1,000 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आप अब आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। लाडली बहना का योजना का पोर्टल जो कि 30 तारीख को बंद हो चुका था, लाडली बहना योजना के ऑनलाइन फॉर्म की नई तारीख जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से एक बार फिर लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश की बस सभी महिलाएं ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। जिन महिलाओं के फॉर्म लाडली बहना योजना में रिजेक्ट हुए थे या किसी कारण महिलाएं फॉर्म नहीं भर पाई थी, इसके लिए 1 जुलाई से पुनः अपना फॉर्म लाडली बहना योजना में भर सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की फिर से घोषणा कर दी थी। वे सभी महिलाएं जो 21 वर्ष की हैं और जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या कैंसिल कर दिया गया है किसी कारणवश, तो आप जरूर इसमें आवेदन कर सकती हैं। उसमें आवेदन करने के आपको सबसे पहले आपकी KYC कंप्लीट करवा कर रखें और बैंक में DBT कंप्लीट करवा कर रखें, ताकि जैसे ही साइट चालू हो उसे ही सबसे पहले आप फॉर्म भरें और जब भी किस्त डले तो आपके खाते में सबसे पहले किस्त डले, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।